बिहार की राजधानी पटना में कोरोना का कहर खतरनाक रूप लेता जा रहा है। जुलाई 2020 के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। पटना में 522 नए संक्रमित मिले, जबकि एक की मौत हो गई। संक्रमितों में 6 डॉक्टर, 4 नर्सिंग स्टाफ, 4 मेडिकल के छात्र भी शामिल हैं। इनमें से 4 डॉक्टर पटना एम्स जबकि 2 PMCH के हैं। एम्स की 4 नर्सें भी संक्रमित पाई गई हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 50% सब्सिडी पर अपनी गाड़ी खरीद रोजगार के इच्छुक हैं तो आपके लिए अभी अवसर खत्म नहीं हुआ है। इस योजना के 8वें चरण की समय अवधि में विस्तार किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 अप्रैल से बढ़ाकर 23 अप्रैल तक कर दी गई है। 10 मई को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के रंगरा ओपी स्थित भवानीपुर शिव मंदिर के पास NH 31 पर सेना के रिटायर्ड जवान अजय कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष जमा हुए थे। इस दौरान हुए विवाद के बीच एक पक्ष के लोगों ने अजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के औरंगाबाद के बारूण थाना क्षेत्र के गजबोर बीघा गांव निवासी सुभाष खरवार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। रोहतास के अकोढ़ी गोला में इस घटना को अंजाम दिया गया। औरंगाबाद में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी JDU में आए केशव सिंह ने विधानसभा चुनाव में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पटना सिविल कोर्ट में ये केस किया है। वहीं लोजपा ने चिराग पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए केवल मीडिया में बने रहने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वफादार दिखने के लिए किया गया काम बताया। केंद्र और राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर गंभीर है। सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि बिना मास्क के घरों से नहीं निकलना है। ये सरकारी आदेश आम से लेकर खास तक सभी पर लागू है, लेकिन सीतामढ़ी विधायक मिथिलेश कुमार शायद अपनी ही सरकार के इस गाइडलाइन को नहीं मानते हैं, तभी तो बिना मास्क के सफर करते हैं। BJP विधायक का मानना है कि रोड पर मास्क की जाँच नहीं की जानी चाहिए, इससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। भागलपुर में कंटेनमेंट जोन से एक संक्रमित महिला अपने पूरे परिवार के साथ रातोंरात फरार हो गई। 7 पड़ोसियों को इस बात की तब जानकारी हुई जब सुबह उन्होंने घर के बाहर ताला लटका देखा। 27 मार्च को महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद 30 मार्च को उसे बरारी स्थित शीतला स्थान के पास अपने ही घर में होम क्वारंटीन कर दिया गया था। देर रात महिला अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गई। पटना के बेउर सेंट्रल जेल में सुबह सुबह छापेमारी हुई है। छापेमारी के दौरान जमीन के अंदर से 3 मोबाइल और 1 चार्जर बरामद किया गया। मोबाइल में सिम कार्ड नहीं लगे थे। करीब 2 घंटे तक जेल प्रशासन ने गोदावरी और यमुना खंड में छापेमारी की, वहीं से ये सामान बरामद हुए। नवादा से गोविंदपुर में एक पेट्रोल पंप कर्मी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसे पहले घर से बुलाया, फिर वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पहचान महेशपुर गांव के अजय यादव के रूप में की गई है। इधर हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़कर धुन डाला, लाठी डंडे से पीटकर उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। फिलहाल पुलिस कस्टडी में उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी अरविंद यादव को कस्टडी में ले लिया। नगर नौसा थाना क्षेत्र के मेहमदपुर गांव में कुछ युवक शराब पीने के बाद गांव की महिलाओं से हुई छेड़खानी के एक महीने बाद देर शाम को 2 गुटों में विवाद हो गया। इस दौरान हुई चाकूबाजी में एक युवक जख्मी हो गया, जिसका इलाज चंडी रेफरल अस्पताल में किया गया। फिलहाल युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है।